आप देख रहे हैं जेके लिस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की तफसील हेडलाइंस के बाद। शोपिया में एसआईए ने दो जगह पर रेड की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। एटीएम गार्ड की किलिंग के सिलसिले में अलियारपुरा इलाके में रेड की गई। शोपिया के जैनपुरा में ट्रेलिंग को लेकर रेड की गई। तो एसआईए की रेड के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। आज शोपियां, पुलवामा, साउथ कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर रेड की गई है एसआईए की तरफ से। अगर बात शोपियां की करें तो दो इलाकों पर यहां रेड एसआईए की तरफ से की गई है। दोनों इलाकों में रेड्स के हवाले से आपको तफसीलात दे दें कि अलियारपुरा में रेड्स अख्ताम पजीर हो गई है। वहीं जैनपुरा के हवाले से खबर ये मिल पाई थी कि आखिरी इत्तला तक वहां पर रेड जारी थी। पुलवामा में भी एसआईए ने दबिश दी है। एसआईए की टीम ने आज साउथ कश्मीर के कई इलाकों में रेड की है। ट्रेलिंग समेत दिगर मामलात की भी छापेमारी में जांच हो रही है। एसआईए ने अनंतनाग में दो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। एसआईए ने लिवर पहलगाम में एक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में दो रिहायशी मकामात पर भी छापा मारा गया। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन पुलवामा में और यहाँ पर जो एसआईए की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है। जो संजय कुमार की हलाकत हुई थी इसी साल फरवरी में, उसी सिलसिले में तहकीकात जो है वो चल रही है और इस सिलसिले में एसआईए की टीम है और इनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ है। और यहाँ पर अच्छन में पहले ही ये जो एसआईए की टीम है वो इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। आज फिर से यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस वक्त पूरी टीम जो है वो यहां पर मौजूद है और कार्रवाई अभी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज 18, अच्छन पुलवामा। प्रेसिडेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी म्युनिसिपल काउंसिल अर्बन लोकल बॉडी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम दार ने कहा कि लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि इलेक्शन यहां अपने वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो लोग जो इलेक्शन के खिलाफ हैं उन्होंने आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचाई होगी। उन्होंने अपील की कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात अपने वक्त पर कराए जाए। दार ने इन बातों का इजहार कुंजर में किया। हमारा जो ड्यू टाइम है इलेक्शन का, चाहे पंचायत का या यूएलबीस का, हम चाहते हैं कि ड्यू टाइम पर अपने टाइम पर यहां के पंचायतों के, यहां के अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए और हम चाहते हैं कि यहां पर इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिले हमने वो एज प्रेसिडेंट एज सरपंच हमने वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर हमने इम्प्लीमेंट किए। और अमलिंगलाबाद इंटरनेशनल फैशन रनवे के हवाले से आपको जानकारी दे दें कि 28 सितंबर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयारी है। तला हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गैल्सन और लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस के बानी सदर सोनम सोटोबगिस एनएसडी ने लेह में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, तुर्की, मैक्सिको, वेनेजुएला, रूस, मॉरिशस, वियतनाम, बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे मशहूर ममालिक की खवातीन मॉडल्स दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल रोड मंगला पास पर रैंप वॉक करेंगी। लद्दाख के दो मॉडल्स भी रैंप वॉक में हिस्सा लेने वाली हैं। इस तकरीब का अहतमाम लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह यूटी लद्दाख ने किया है। इस मौके पर आलमी अमन और खुशहाली के लिए बुद्धा के मुजस्मे का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। Very hopeful that history will be in making. On the 28th of September, we'll make a history in Ladakh. So, and everybody said in one words that this particular ramp walk is for the world peace and for the climate change. We as citizens, we need to be very conscious of every step we take. So, as tourists, Ladakh is a very tourist-friendly place.
but I think people tend to take advantage of these days. I come from Vietnam, and I'm present Son Tan Hieu, Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam, and say few words and thank you for inspiring us. For the India-Bangladesh relation, so the Bangladeshi government is also very excited about this event. The Bangladeshi BGMA, Bangladesh Garments Exporters and Manufacturer Association, I'm the brand ambassador, and they are also very, very, very highly excited about this event. Everywhere we were treated like their own sisters, their own friend. And I think that's something we will carry it back to my own state. I think everyone will carry it back to their countries. And therefore, we would like to promote sustainable tourism in Ladakh and every part of India. And I'm really honored and thrilled, and thank you for this opportunity. Today's day and age, global warming is such a threat to humanity, and this show is for a noble cause of sustainability. आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ. नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के शेओक का दौरा किया. उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया. इन मंसूबों से हिंदुस्तानी फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सलाहियतों में इजाफा होगा. इन्हें बीआरओ हुकाम ने हिमांक और विजय प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी. आर्मी कमांडर ने फौजियों को उनकी अनथक कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया और दुश्वार गुजार खत्ते में उनके अज़्म को भी सराहा. कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे खुराक साइंस और टेक्नोलॉजी ने फूड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तावुन से फूड एंड बेकरी का एहतमाम किया. इस प्रोग्राम में सनती तावुन खाना बनाने के अखराजात इख्तराआत और मुल्क के मुख्तलिफ खाने की मसनूआत के लिए मुख्तलिफ मशीनरी की नुमाइश की गई. इस तकरीब में 80 से ज्यादा मारूफ सनतों ने शिरकत की और शौक की सनत को तलाश करने का एक मुनफरिद मौके के तौर पर इसे देखा गया. एक्सपो ने फूड टेक्नोलॉजी में केसिंग और इनोवेशंस पर बहस करने और दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया. मशीनरी का लाइव मुजाहरा भी किया गया ताकि नए आने वाले अफराद खरीदारी के लिए मुल्क का सफर कर सकें. ये एक्सपो तलबा के साबिका पेशावरों में दाखिल होने और इसके तबादलों और सलाहियतों को दरियाफ्त करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. यह है फूड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो ये इसलिए था कि जो हमारे अब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सब नहीं है, हमें रुजू करना चाहिए अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए. तो एक स्टूडेंट्स को एक आइडिया देना है कि देयर इज वर्ल्ड बियॉन्ड द गवर्नमेंट जॉब्स. वी कैन हैव आवर ओन स्टार्टअप्स. हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना कारोबार कर सकते हैं, हम अपना कोई इनोवेटिव आइडिया है इसको फिर फुलफिल करने के लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है कि हाउ वी विल गेट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, मिस्ट्री कहाँ से आएगी. ये एक्सपो जो है पहली बार कश्मीर में हो रहा है, सो इट विल एनहांस द फूड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन कश्मीर. बिकॉज जो स्टूडेंट्स है, लाइक आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई एम ऑन द वर्ज ऑफ कम्प्लीटिंग माई डिग्री, सो इससे हमें एक काइंड ऑफ बूस्ट मिलता है कैन दैट वी आर नॉट जस्ट बाउंड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. वी कैन स्टार्ट आवर ओन वेंचर्स, वी कैन बी द एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन बी एंड ऑल्सो द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी सोच रहे हैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए. तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो देख सकते हैं कि इक्विपमेंट्स फूड बिजनेस में जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे उनका क्या कॉस्ट है, कैसे क्या रहता है, कौन सी कंपनीज पार्टनर स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन के लिए तैयार है. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स या जो भी बिजनेसमैन है यहाँ पे फूड बिजनेस रिलेटेड, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. या हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं. अभी हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स है ये 3D printed products है. 3D printed products यूजुअली हमें कश्मीर में नहीं मिलते हैं. ये जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो कार्ट्रिज है हम एज फूड इंक जो है वो यूज़ करते हैं. फूड इंक जो है वो होती है वेजिटेबल बेस्ड और हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्योरे जो है उनसे हम बनाते हैं. फिर हम इससे जो है बहुत सारे कस्टमाइज फूड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूज़र, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ कंडीशंस. हम उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी हमें, फॉर एग्जांपल हमें डायबिटिक फूड चाहिए, फॉर एंटी डायबिटिक फूड चाहिए, उनके लिए हम कैसे फूड बना सकते. मैं कश्मीर आई हूँ और यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमें अपॉर्चुनिटी मिला स्टॉल लगाने का और लोगों का काफ़ी सपोर्ट और रिस्पॉन्स मिला है. और हमें ऐसे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो प्रमोट करें हमें. हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि आप यहाँ प्लांट डालो, यहाँ पे फैक्ट्री डालो, लोगों को बिजनेस मिलेगा, काम मिलेगा. तो मैं यहाँ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें प्रमोट करें और हमें मौका दें यहाँ काम करने के लिए और आप हमें अपॉर्चुनिटी दें.
ताकि हम यहाँ पे रोजगार लेके आए यहाँ के लोगों के। आलमी उम्मे सयाहत के पेशे नजर आपको बता दें कि महकमे सयाहत ने दिगर टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कश्मीर भर में तकरीबात का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज टीआरसी श्रीनगर में एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा के साथ साथ सयाहत के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इस तक का मकसद कश्मीर में ग्रीन टूरिज्म जोन फराहम करना है। यहाँ पर आज टीआरसी में वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है बट वी आर हैविंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एक हमारा यहाँ पर सेमिनार है ऑन द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, दैट इज टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। सो इस बार हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को, ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को, होटेलियर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को बुलाया है। And focus will be on how we can create a green movement in tourism and kya kya investments ho sakti hain, whether it is homestays, whether it is hotels, whether it is transport, how they can move to a cleaner and greener energy in their businesses. So basically hamara focus aaj us pe rahega. And then also hamara ek week long cleanliness drive hai of Kashmir Great Lakes. आपको तो पता है कि वी हैव हैड अनप्रेसिडेंटेड एडवेंचर टूरिज्म इन कश्मीर एंड उसके साथ अपने चैलेंजेस होते हैं हाउ टू कीप दोस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्लीन। सो हमने यहाँ पर एक वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव का भी एक आज से ही स्टार्ट हो रही है जो किया है स्टार्ट। एंड इन एडिशन टू दैट वील हैव क्लीनलीनेस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स अक्रॉस ऑल आवर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और अब खबर टंगमग से है। टंगमग के खाईपुरा के लोगों ने महकमा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खिलाफ पीएमजेएसवाई के खिलाफ एहतजाज किया। खाईपुरा और दिगर इलाकों के लोगों ने इल्जाम लगाया कि 2016 से इस सड़क पर अगरचे तामीरी काम शुरू हुआ लेकिन मुकम्मल और मुस्तहकम तौर पर यह काम नहीं हुआ। सड़क की खस्ता हाली और गहरे गड्ढे होने से लोगों को काफी मुश्किल पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि आज तक मुतालिका हुक्काम के दफातर के चक्कर काटे हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। खाईपुरा और दिगर इलाकों के लोगों ने सरकार अपील की है कि इस सड़क की मरम्मत की जाए। तो 2016 से इस रोड की तामीरी काम शुरू हुई थी लेकिन तब से आज तक यह रोड बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप देखिए बिल्कुल ये रोड खस्ता हाल हुआ है। यहाँ पर जो सर्विस की गाड़ियां हैं वो भी आने से मना कर रही है क्योंकि जब रोड ही बिल्कुल खस्ता हुआ है। आपने ये देखा आते हुए और हमने चीफ इंजीनियर कंसर्नड पीएमजीएसवाई को भी कई बार इसके बारे में बोला कि हमारा जो रोड है ये बिल्कुल खस्ता हो चुका है लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। अब हम आपके जरिए ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, मेहरबानी करके इस रोड की मरम्मत करें। अच्छा सो टंगमग टू शेखपुरा रोड ये आज गए 2017 पेट चला इस पीएमजीएसवाई से तो वही तो रोड कम्प्लीट कहीं कि तमाम अफसर नश त गए तो तुम से मस्त तो रोड हालत क्या ये कि टंगमर्ग से शेखपुरा तक 8-9 किलोमीटर टोटल ये रोड है लेकिन 2016 से पीएमजीएसवाई ने एक ठेका लिया था। एक ठेकेदार को ये ठेका पता नहीं है वो ठेकेदार या कोई फर्म है हमें मालूम नहीं है लेकिन उसने इतना गंदा काम किया है कि 2016 से आज तक हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। हम हर एक ऑफिस में गए, हर एक के पास गए लेकिन किसी ने आज तक हमारी नहीं सुनी। हम गवर्नमेंट से बड़ा करम अपील करते हैं, मोदवाना गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ये जो देरी ना मांगे, ये जो मुतालबा है हमारा इस रोड के मसले को हल करें। इन्होंने जो ये रोड के जो लुक के बदले उसमें जो मुबलेल जो होता है ना विस्तरी के पास वो मिलाया तो 2-4 दिन के बाद ये रोड वैसा ही हुआ जैसे पहले था। इन्होंने जो ऐसे पता नहीं इसने क्या करप्शन हुआ है इसमें कॉरप्ट हो गए या ठेकेदार इसने कुछ अफसर को कॉरप्ट करके ये रोड बनाया। आप हालत देख रहे हैं इस वक्त इस रोड को क्या हुआ, ये पीएमजी प्लान में था 2016 से। और लालसी के साथ होंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। देखिए यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की।
पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में दो लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडो में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में। सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत, जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य, अब टनलों से होकर गुजरेगा। एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज धर्मशाला पहुंच चुकी है। ट्रॉफी की गग्गल चौक पर नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी को गग्गल से सीधे शहीद मेमोरियल धर्मशाला ले जाया जाएगा। यहां शोधा को खराज अकीदत पेश करने के बाद शहर भर में इस ट्रॉफी का मुजाहरा किया जाएगा। ट्रॉफी शाम 5 बजे अमूखा के दर्शन के लिए रखी जाएगी और ट्रॉफी को एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में रखा जाएगा। शाम 4 बजे की अगर बात करें तो शाम 4 बजे के बाद लोगों को ट्रॉफी देखने के लिए मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। आवाम को गेट नंबर 2 से दाखिला करना होगा। आज बहुत हर्ष का विषय है वर्ल्ड टूरिज्म डे पे। आज जो सेलिब्रेशन यहाँ चल रही है उसके साथ ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी यहाँ पे है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हर्षोल्लास ऐसे ही बना रहेगा और पर्यटन को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे लगता है जो 5 मैचेस हमारे धर्मशाला को मिले हैं वर्ल्ड कप के, इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ से मिलेगा। हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को। और मैं बाय द वे आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 का कि आपने हमें कवर कर रहे हैं। बट आई थिंक जैसे इन्होंने कहा, राहुल जी ने, चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर और अब बहुत सनी डेज, बहुत ब्यूटीफुल समय जो है धर्मशाला में आ गया है और अभी 2-3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट मैचेस के साथ जो है एक बार फिर से जो है दोबारा से पटरी पे आएगा कारोबार, पर्यटन और टूरिस्ट जिस तरह से आज हमने रिसीव किए हैं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी धर्मशाला। पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है और पूरे धर्मशाला के लिए भी गर्व की बात है कि पूरे देश में 8 वेन्यू है, उसमें से हमारा धर्मशाला भी एक है उस वेन्यू में। और टूरिज्म के लिए कितनी प्रमोशन है आप लोग उत्साह से ही देख सकते हैं। होटल इंडस्ट्री भी आपको बता सकती है कि जो उनके पास रैकी आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, कितनी हाइप है पूरे धर्मशाला के आसपास। 10-15-20 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी एक कमरा नहीं मिल रहा किसी को ठहरने के लिए। ट्रॉफी जो है वो अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो क्योंकि मेजबान पहली मरतबा मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है, पहले जो है वो पहले भी मेजबानी हुई है लेकिन वो संयुक्त रूप से हुई है। और 27 जून से इसको दुनिया के भ्रमण पर ले जाया गया था, 18 देशों का भ्रमण करके इसको वापस यहाँ पर लाया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसको जो है सबसे पहले इसी ये जो वर्ल्ड कप की जो ये ट्रॉफी है इसको सेंट टू स्पेस जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसके थ्रू जो है धरती से जमीन से जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर
जो है वो ले जाया गया था और इसकी बकायदा उस वक्त 4K कैमराज के जरिए जो है वो शूट किया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ग्लोब में सबसे ऊपर जो है यही वर्ल्ड कप ट्रॉफी है और उसके बाद जो है फिर इसको दुनिया भर के अलग अलग देशों में घुमाया गया था। वो दुनिया के जो देश थे वो चाहे हम लोग बहरीन की बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे वो हम लोग संयुक्त अमेरिका की बात करें, हर देश में चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की, इंग्लैंड की और मेजबान भारत की बात करें, हर जगह जो है उसे घुमाया गया था। और अब क्योंकि मेजबान भारत में ये पहुंच चुकी है, ये जो है ये जो ये ट्रॉफी है अंतिम बार जो है इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका से 3 सितंबर को इसे फिर भारत में लाया गया और 4 सितंबर को ये भारत में पहुंच गई और भारत में पहुंचाने के बाद इसे अलग अलग शहरों में घुमाया गया और आज इसे देवभूमि हिमाचल की सबसे खूबसूरत जो जगह है धर्मशाला वहां पर लाया गया है और धर्मशाला में भी अलग अलग जगहों में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। खासतौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो इसे गगल चौक पर ही प्रदर्शित करने वाले हैं, फिर बाया चात्रू होते हुए इसे धर्मशाला में ले जाया जाएगा, फिर शहीद स्मारक में इसको प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, शहीदों को नमन किया जाएगा, उसके तुरंत बाद पूरे शहर में घुमाते हुए बाया कोतवाली बाजार से होते हुए ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है वहां पर फिर प्रदर्शनी की जाएगी तो शाम को फिर जो है आमो खास के लिए इसे HPCA के स्टेडियम में जो है वो प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। देखिए लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए काफी आतुर है, लोगों में काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो आज आपके शहर में पहुंच चुकी है, आप लोगों के लिए भी बकायदा सेल्फी लेने का जो है या तस्वीरें ताउम्र के रखने के लिए जो है मौका इस वक्त यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। आप उस मौके को बिल्कुल भी ना गवाइए क्योंकि HPCA की ओर से भी आज जो है वो 2 बजे आप लोगों के लिए गेट नंबर 2 जो है शाम 4 बजे के बाद से खोल दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री एंट्री होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है उस भव्य जो आयोजन है उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, साथ ही साथ जो है अपने कुछ सपने संजो सकते हैं इस ICC मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। तो देखिए अब यहाँ से क्योंकि यहाँ से अब जो ये ट्रॉफी लाई गई है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है और यही ट्रॉफी जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो ले जाई जाएगी और वहां पर जो है लोगों के लिए प्रदर्शनी पर के लिए रखी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 के कैमरे की मार्फत जो है वो देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और गांधरबल के साबिक MLA शेख इशफाक जबाद ने पार्टी कारकुनों को एकजुट करने और उनमें एनर्जी भरने के लिए गांधरबल में एक कारकुनान की एक मीटिंग की सदारत की। आने वाले शहरी स्थानीय जो चुनाव हैं ULB के मद्देनजर जब्बार ने कारकुनों से आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के हवाले से तलकीन की। वहीं कारकुनों को इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जनता से जुड़िए और उनकी जो फिक्रमंदी है, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। उन्होंने उनसे पूरे एक्टिव तौर पर लोगों से जुड़ने और साथ ही साथ पार्टी का पैगाम पहुँचाने और उनकी हिमायत हासिल करने की तरफ की जानिब काम करने का आग्रह किया और इस हवाले से उन्होंने तलकीन की। जो गांधरबल को तरक्की देना चाहता है और तो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं कि गांधरबल में सबक MLA शेख इशफाक जब्बार ने पार्टी कारकुनान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया और इस मीटिंग का इनेकाद करने का मकसद ये रहा कि गांधरबल में जो कारकुनों से बातचीत की जा सके और उन्हें आने वाले इंतखाबात के हवाले से उनमें जो एनर्जी है वो भरी जा सके। साथ ही साथ तो इस जब मीटिंग का उन्होंने इनेकाद किया तो इस मीटिंग में कारकुनों से उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप सभी लोग जमीन से जुड़े, अवाम से जुड़े और उनकी परेशानियों को बरूए कार लेकर आए ताकि उन परेशानियों को हम देखकर उसे उसका खात्मा कर सके, उसको पाए तकमील तक पहुंचा सके। तो इन तमाम तरह की बातों को इस मीटिंग में शेख इशफाक जब्बार की तरफ से रखा गया और साथ ही साथ ना सिर्फ अवाम से जुड़ने के लिए बल्कि आने वाले इलेक्शंस के लिए, आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों को तैयार रहने का मशवरा दिया। अपने साथियों से बात की, यहाँ की तैमर तरक्की के लिहाज से और जो इनकी ग्रीवेंसीज है यहाँ नाले सिंध के लिहाज से, इसको हमने ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाया है। जो यहाँ नाले सिंध का मामला है, हमने इनको कहा कि यहाँ एक ब्लॉक PRI ब्लॉक रखा जाए जिसमें
जो मैनुअल लेबरर्स है जो पिछले दहाइयों से काम अपना वो मैनुअली करते आए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपना काम काज रोजी रोटी का उनका सवाल है वो करते रहे। तो आप देख रहे थे कि इस हवाले से बिजबहाड़ा में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ बढ़े, आपको बता दें कि बिजनेस एक्सपो के हवाले से खबर है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे खुराक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया गया और इस फूड एंड बेकरी का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सनती ताउन, खाना बनाने की इख्तरात और मुल्क के मुख्तलिफ खाने के मसनूआत के लिए तरह तरह की मशीनरीज की नुमाइश की गई। इस तकरीब में 80 से ज्यादा मारूफ सनतों ने शिरकत की और ये आपको बता दें कि शौक की सनत को तलाश करने और मुनफरिद मौके के तौर पर इसे देखा गया और साथ ही साथ फूड एक्सपो में फूड टेक्नोलॉजी में केसिंग इनोवेशंस पर बहस करने और साथ ही साथ शो ऑफ के लिए दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। मशीनरी का लाइव मुजाहरा भी किया गया ताकि आने वाले अफराद खरीदारी के लिए मुल्क का सफर कर सकें। ये एक्सपो तलबा के लिए सालुका पेशावरों में दाखिल होने वाले डिसेज के तबादले और डेज के तबादले और उनकी सलाहियतों को दरियाफ्त करने का एक बेहतरीन मौके के तौर पर इसे देखा गया। ये है फूड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये इसलिए था कि जो हमारे अब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सब नहीं है, हमें रुजू करना चाहिए अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए। तो एक स्टूडेंट्स को एक आइडिया देना कि देयर इज वर्ल्ड बियॉन्ड द गवर्नमेंट जॉब्स, वी कैन हैव आवर ओन स्टार्टअप्स, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अनंतनाग से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अनंतनाग में धमाका हुआ है। जी हां, धमाके में आपको बता दें कि 8 मजदूर के जख्मी होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से आपको दे रहे हैं, अनंतनाग में धमाके की खबर है। इस धमाके में कहा जा रहा है कि 8 मजदूर जख्मी हुए हैं। लारकीपुरा अनंतनाग में ये वाकया पेश आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको अनंतनाग से दे रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने एसआईए के हवाले से, छापेमारी के हवाले से अनंतनाग से खबर देखी थी और इस वक्त बड़ी खबर ये कि धमाके में 8 मजदूर के जख्मी होने की खबर है। अनंतनाग से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ तफसीलात, कैसे धमाका हुआ, कुछ पता चल पाया? मुदस्सिर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? ईशान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, माफ कीजिएगा। अनंतनाग में धमाके की खबर है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। धमाके में 8 मजदूरों के जख्मी होने की खबर आ रही है। ईशान, ये बताइएगा, कुछ पता चल पाया कैसे धमाका हुआ और कहां पर हुआ? देखिए, आज सुबह जब ये मजदूर जो 8 के करीब थे, एक टाटा गाड़ी में सवार थे जिसके पीछे वो अपना सामान लेके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वहां जा रहे थे, जिसमें जो वाइब्रेटर होता है जिससे स्लैब को पूरी तरीके से फिक्स किया जाता है वो था, कुछ और सामान थे, तेल था, और पुलिस का ये कहना है कि उसी में धमाका हुआ जिसके बाद ये 8 मजदूर जो है इनको ये इनके बर्न इंजरीज हैं, ये जख्मी हुए। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम शहरी जो वहां पे थे उन्होंने कोशिश की कि इनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। ये सुबह का वाका है जब ये धमाका पेश आया। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें कोई मिलिटेंसी एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन समय पे ये धमाका हुआ उस समय पे काफी लोग वहां पे जुड़े और जिसके बाद इन 8 मजदूरों को जो अस्पताल ले लिया गया। फिलहाल पुलिस तहकीकात इसलिए करेगी क्योंकि ऐसे वाकात हमने पहले भी देखे जिसमें नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया मिलिटेंट आउटफिट्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल इमीडिएट पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई मिलिटेंसी रिलेटेड एंगल नहीं है कि मिलिटेंट्स ने इस पे जी बिल्कुल। उमूमन ये देखने को मिलता है कि जब इस तरह की खबरें पेश आती हैं, इस तरह का वाकया रुनमा होता है, तो हर एंगल से उसकी जांच की जाती है। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर, ईशान हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि हम तक पहुंच पाई है धमाके के हवाले से। धमाके में 8 मजदूरों के जख्मी होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देखेंगे। जी हां, अनंतनाग में धमाके की खबर है और इस धमाके में 8 मजदूर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने यह सीधे तौर पर कह दिया है कि इसमें इसका टेरर से कोई ताल्लुक नहीं है। ईशान, एक सवाल ये करना चाहेंगे, जो 8 मजदूर जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका ताल्लुक कुछ पता चल पाया कहां से है? क्या वो ज्यादा जख्मी हुए, उनमें किसी की हालत नाजुक तो नहीं?
देखिए फिलहाल तो सबको बर्न इंजरीज है और पुलिस का कहना है कि उन बर्न इंजरीज की ट्रीटमेंट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की जा रही है। और क्योंकि ये सुबह का समय था तो काफी लोग जो है सड़क पे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो लोग वहां पर थे, आपको धमाके की जो तस्वीरें हैं उससे पता चला होगा कि कहीं ना कहीं ये धमाका जो था वो काफी इंटेंस था, क्योंकि आसपास की दुकानें जो है उनमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है जब ये धमाका हुआ। और उसके बाद इनको अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन 8 मजदूर जो है इसमें जख्मी हुए हैं। ये मजदूर ज्यादा यूपी बिहार से आते हैं, कहां से ये थे फिलहाल पुलिस का इस पे कुछ नहीं रवैया आया है, क्योंकि पुलिस ने अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन जो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता चला है कि ये जो एक्सप्लोजन है ये गाड़ी के अंदर जो सामान था उस पे हुआ है। हालांकि जो मिलिटेंट आउटफिट्स है उन्होंने इस पर दावा तो किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें कोई मिलिटेंट रिलेटेड एंगल नहीं है, और जिसके बाद लेकिन उसको फिर भी एक बार इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कैसे हुआ ये एक्सप्लोजन। लेकिन इमीडिएट पुलिस का यही कहना है कि ऐसे जो है ये कोई सब्सटेंस था इनकी गाड़ी में, जैसे तेल और बाकी चीजें थी जो ये ले जा रहे थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, उसमें धमाका हुआ है। गाड़ी जिसमें ये सवार थे उसमें भी आप तस्वीरों में दिख रहा है कि उसको भी खासा नुकसान पहुंचा है, जो दुकानें थी उसमें भी नुकसान पहुंचा है और बाकी जो सामान उनके साथ था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें नॉन लोकल्स जो है जख्मी हुए हैं, तो पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट करने की हर एंगल से कोशिश की जा रही पुलिस की तरफ से छानबीन करने की, जांच करने की। हालांकि इलाज मुआवजे के लिए तमाम मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के। बहुत शुक्रिया ईशान मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। नमस्कार, आदाब।